और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब आपको फ्लाइट के तीन हैरतअंगेज हादसे दिखाने जा रहे हैं और इंडिगो एयरलाइंस की एक बड़ी लापरवाही के बारे में बताने जा रहे हैं। सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट में कैसे चली गई एक यात्री की जान और बाल बाल बचे 229 लोग, वहीं मुंबई में कैसे दुबई से आ रही एमिरेट्स की एक फ्लाइट हादसे का शिकार होते होते बची है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सैंतीस हजार फीट की ऊंचाई पर मौत से सामना, तीन मिनट तक नीचे गिरता रहा प्लेन। फ्लाइट में सवार थे 229 लोग। प्लेन के भीतर ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सवार 229 लोगों के लिए तीन मिनट कितने भारी गुजरे हैं। 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते प्लेन में अचानक 229 लोगों को साक्षात मौत नजर आने लगी। एयर टर्बुलेंस में फंसने की वजह से प्लेन अचानक नीचे गिरने लगा। 37,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन लगातार तीन मिनट तक नीचे गिरता रहा। इन तीन मिनट में प्लेन में सवार सभी 229 लोगों को मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। तीन मिनट में प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर 6,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। अब कुछ ही सेकंड्स में प्लेन समंदर में गोते लगाने वाला था, तभी चमत्कार हुआ। प्लेन को कंट्रोल करने की पायलट की कोशिश रंग लाई और प्लेन 6,000 फीट की ऊंचाई पर संभल गया। हालांकि तब तक प्लेन में एक यात्री ने अपनी जान गंवा दी थी और कई यात्री घायल हो चुके थे। प्लेन में बैठा हर कोई बदहवास था। जिस वक्त प्लेन एयर टर्बुलेंस की चपेट में आया, उस वक्त वो अंडमान सागर के ऊपर उड़ रहा था और म्यांमार की तरफ बढ़ रहा था। सिंगापुर एयरलाइंस का ये प्लेन लंदन से सिंगापुर जा रहा था, जिसे बैंकॉक के सुवर्ण भूमि हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में कुल 211 यात्रियों के अलावा 18 क्रू मेंबर सवार थे। लैंडिंग के बाद घायलों को एयरपोर्ट पर फर्स्ट एड दिया गया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। टर्बुलेंस असल में एयर फ्लो में दबाव और रफ्तार में आया अचानक परिवर्तन होता है, जिससे कि विमान को धक्का लगता है। विमान चलते चलते ऊपर नीचे हिलने लगता है। टर्बुलेंस की वजह से मामूली झटकों से लेकर तेज और लंबे झटके महसूस किए जा सकते हैं और प्लेन क्रैश भी हो सकता है। विमान से जुड़ा दूसरा हादसा महाराष्ट्र में होते होते बचा, जहां घाटकोपर के आसमान में दुबई से मुंबई जा रही एमिरेट्स की फ्लाइट अचानक फ्लेमिंगो के झुंड से टकरा गई, जिसमें करीब 36 फ्लेमिंगो की मौत हो गई है। हालांकि पक्षियों के टकराने से विमान के लैंडिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। पायलट ने प्लेन को सुरक्षित लैंड करा लिया। पुलिस ने अभी तक घाटकोपर इलाके से 36 फ्लेमिंगो के शव बरामद किए हैं। इलाके में फ्लेमिंगो के और शवों की तलाश की जा रही है। वहीं मुंबई में इंडिगो एयरलाइंस की एक बड़ी चूक सामने आई। इंडिगो की मुंबई से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट में कुल सीट से एक टिकट ज्यादा बुक हो गया। इंडिगो को इस गलती का पता तब चला जब प्लेन मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए रनवे पर आ चुका था। तब एक यात्री प्लेन के भीतर एक कोने में खड़ा था। उसके पास टिकट था, लेकिन उसे बैठने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। इस पर केबिन क्रू ने जांच की तो उसे पता चला कि एयरलाइंस ने प्लेन में यात्रियों की क्षमता से ज्यादा बुकिंग कर दी है, जिसके बाद एयरक्राफ्ट को वापस टर्मिनल पर लाया गया और उस यात्री को उतारा गया। तीन एयरलाइंस की फ्लाइटों में घटी इन घटनाओं से एक बार फिर फ्लाइट की उड़ान में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में दो साल पहले सील किए गए वजूखाने के एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग की है। सुनवाई जस्टिस अजीत कुमार की सिंगल बेंच में होगी। आज मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखना है। और वहीं मंगलवार को पीएम मोदी वाराणसी में महिला सम्मेलन में शामिल हुए। जिस महिला सुरक्षा की बात पीएम मोदी और सीएम योगी कर रहे हैं, उसका असर वोट बैंक में भी दिख रहा है। अगर 2014 और 2019 के चुनावी आंकड़ों को समझे तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिलाओं के वोट मिले थे, जो 2019 में बढ़कर के 36% हो गया। अब पीएम मोदी की नजर आधी आबादी की 100% वोट पर है, जिसे साधने की कोशिश वाराणसी में दिखी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है।
और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी। वो वीवीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती है। यानी जो काशी ने तय कर दिया वो समझिए हो गया। कभी कांग्रेस को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने वाला शहर वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुका है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था। और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पीएम मोदी का संवाद आधी आबादी से है। पीएम मोदी का संदेश नारी शक्ति के लिए है, क्योंकि जिस सीट से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं वहां से पूरे पूर्वांचल तक पकड़ बनाने की है। 2014 के बाद से आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर के मातृ वंदना अभियान से लेकर के, और आज देश की नई संसद में जिस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके आधी आबादी को देश की विधायिका में, देश की संसद और देश की विधानसभा में भी उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए भी काशीवासी, प्रदेशवासी और देश की आधी आबादी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। वाराणसी सीट के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी बिहार की कई सीटों पर इसका प्रभाव पड़ता है। पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल की 13 सीट और बिहार की 8 सीटों पर काशी फैक्टर का असर होता है। दोनों को जोड़ दें तो कुल 21 से ज्यादा सीटों पर मोदी के काशी आने का सीधा प्रभाव पड़ा है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों के लिए काशी हिंदू हार्टलैंड से कम नहीं है। यहाँ के लोगों की काशी में अगाध आस्था है। सनातन धर्म के प्रभाव का त्रिकोण अयोध्या, प्रयाग और काशी को ही माना जाता है। यानी काशी से दिया गया संदेश पूरब का सबसे बड़ा जनादेश बनता है और बीजेपी इसे बहुत अच्छी तरह से समझती है। आज यहाँ पर उपस्थित नारी शक्ति अपने भाई को गारंटी देती है कि इस बार 10 लाख से अधिक वोटों से आपको जिताकर संसद में भेजने जा रही है। यानी काशी हिंदुत्व का ऐसा गढ़ रही है जहाँ की धमक का असर पूर्वांचल की कई सीटों पर होता है। मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर जैसी सीटों पर वाराणसी का रिएक्शन साफ दिखता है। यानी काशी से दिया गया संदेश एक वोटर्स की एक मास ब्रिगेड तैयार करता है, यानी ऐसी ब्रिगेड जो लहर के साथ चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 4 जून के बाद राहुल गांधी वैकेशन का प्लान तय करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ा हमला बोला है। न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा है कि 4 जून के बाद राहुल गांधी वैकेशन का प्लान जो है वो तय करेंगे, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे और उससे पहले ये अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है।
क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है। क्या आपको लगता है विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली की सीट जीतने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, कार चोरी होता देख जान पर खेला कार मालिक। कार के सामने खड़ा हुआ कार मालिक और 3 बदमाशों ने भागने के लिए तेजी से कार दौड़ा दी। बदमाशों को दबोचने के लिए बोनट पर कार मालिक जो है वो लटक गया एक्सप्रेसवे के पास। पीड़ित को गिरा करके जो बदमाश है वो फरार हो गया। पीड़ित का एक दोस्त भी सड़क पर गिर करके घायल हुआ है। पीड़ित ने वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कार चोरी की ये वारदात सामने आई है। और जैसे ही कार चोरी होते हुए मालिक ने देखा तो वो बोनट पर ही लटक गया। और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है वो आप देखिए, जो है गाड़ी को दौड़ाते हुए वो नजर आए। और पीड़ित का एक दोस्त भी सड़क पर गिर करके घायल हो गया है। पीड़ित ने वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया। ये तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो कार का मालिक है वो बोनट पर लटका हुआ नजर आया और जो बदमाश है गाड़ी को लेकर के फरार होते हुए दिखे। और चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रा व्यवस्थाओं के मद्देनजर 31 मई तक के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। चार धाम यात्रा में आ रही भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। 31 मई तक के लिए चार धाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया है। यात्रा व्यवस्थाओं के मद्देनजर फैसला लिया गया है। सीएम धामी ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चार धाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों से पंजीकरण के दौरान दी गई तारीख पर ही दर्शन करने तथा मेडिकल हिस्ट्री नहीं छुपाने का भी अनुरोध किया, ताकि यात्रा सुखद रहे। दरअसल बहुत से श्रद्धालु पंजीकरण के दौरान दी गई तारीख से पहले ही चार धाम यात्रा में पहुंच गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है। परिवार को केदारनाथ में ही अकेले 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे हैं और अन्य धामों में भी भारी भीड़ पहुंच रही है। हरिद्वार में डीएम और एसएसपी ने स्थानीय टूर एंड ट्रैवल कारोबारियों के साथ मीटिंग की और 31 मई तक यात्रा के लिए नए यात्रियों को न बुलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार के इस फैसले से हरिद्वार के टूर एंड ट्रैवल्स कारोबारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि वो जल्द अपनी गाड़ियों की चाबियां और कागज प्रशासन को सौंपने को मजबूर होंगे। और कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 दिन से लापता एक नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम के सहयोग से बालिका को अलवर से दस्तयाब किया गया है। आपको बता दें कि बालिका 10 मई को अपने घर से बिना बताए निकल गई थी और जांच में ये सामने आया कि बालिका कोटा से 12 और फिर अलवर के रामगढ़ थाना इलाके की मिलकपुर गाँव में पहुंच गई। पुलिस व मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बालिका को दस्तयाब किया। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।